न्यूजीलैंड की टीम 36 सालों के बाद भारतीय सरजमी पर आकर इतिहास रच दिया है। जहां न्यूजीलैंड की टीम भारतीय जमी पर आकर एक भी टेस्ट 36 सालों से नहीं जीत सका था, वहीं टेस्ट सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने यह बता दिया है कि हम बांग्लादेश नहीं हैं। तो इसी के साथ रोहित शर्मा के करियर का शायद अंतिम पड़ाव हो चुका है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्पिनरों के सामने ऐसे डांस करते हुए नजर आए जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को भूत ने देख लिया हो। क्योंकि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अपने देश में नहीं न्यूजीलैंड में जाकर क्रिकेट खेल रही है और न्यूजीलैंड की टीम भारत की जमीन पर आकर भारतीय टीम को दो टेस्ट मैचों में लगातार हराकर भारतीय टीम के आने वाले सीरीज में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। क्योंकि भारतीय टीम को अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां भारतीय टीम अपने घर पर इस तरह से एक्सपोज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में क्या करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय टीम को एक्सपोज करने में जिस गेंदबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा है वह है मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर ने भारतीय टीम को तहस नहस करके रख दिया और दोनों पारियों में मिलाकर 13 विकेट निकाले। मिचेल सेंटनर के गेंदबाजी के बदौलत न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम से टेस्ट सीरीज के साथ साथ भारतीय टीम का वो सपना भी छीन लिया जो भारतीय टीम WTC में जाने की देख रही थी, क्योंकि अब भारतीय टीम के लिए WTC का सफर आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे इस टीम से बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि भारतीय टीम ने जो किया है और भारतीय टीम अभी जिस स्थिति से गुजर रही है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद गौतम गंभीर के फैसले सही नहीं हो रहे और गौतम गंभीर को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो भारतीय टीम के आने वाले भविष्य को अच्छा कर सके। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने कुछ देर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल के अलावा दूसरे पारी में कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके।